अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को भी अपने प्रॉपर्टीज़ सेल पे या रेंटल पर मेरे चैनल पर प्रमोट कराना है तो मेरा नंबर 9985753030 निज़ाम। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, नए नए वीडियोस आते रहेंगे। और देखिए, अभी जो मैं आपको लाया हूँ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लाया हूँ, जो अपार्टमेंट है 6 फ्लैट्स का, जो सिचुएटेड है संतोष नगर आय सदन, पानी की टाँकी वगैरह जहाँ रहेगी वहाँ पर, हैदराबाद स्कूल वगैरह वहाँ से बिल्कुल नज़दीक रहेगा। ये आपको बाहर से रोड बता लेते जा रहा हूँ। बहुत सारे सहूलतें हैं इसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये पूरी बिल्डिंग रजिस्टर्ड है, तो जिसमें आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। और लिफ्ट का गाला भी जगह है जहाँ आप लिफ्ट शिफ्ट एडमिट कर सकते हैं। और इसमें बोरवेल भी है, नल भी है, और कार पार्किंग और टू व्हीलर पार्किंग के लिए भी सहूलत है। तो इसका किराया भी अच्छा आ रहा है, जो पूरे लोकेलिटी से नज़दीक है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और बहुत सारे फैसिलिटी वाला सेंटर एरिया है। आप पूरा वीडियो देखिए। ये देखिए, आपको सामने से बता लेते आ रहा हूँ मैं। आसपास भी देखिए, अच्छे रहायशी इलाके, अच्छी बिल्डिंग है, और यहाँ घरों की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आपको किराएदारों के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी। अभी ऑलरेडी इसमें किराए पर गए हुए हैं, कुछ नए गैस हुए बेचने के बाद, आप दे ख़रीदने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैं आपको बता दूंगा बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग के बाद आपको ये ओनर की आवाज़ रहेगी। देखिए, संतोष नगर पानी की टाँकी से वो आपको बिल्डिंग बता रहा हूँ। तो देखिए, ओनर मेरे साथ है, जो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। मैं आया हूँ घर पर, और माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हमारे अंकल की भी तबीयत थोड़ी नासाज है, अल्लाह से दुआ है, इनको भी अल्लाह ताला सेहत अफजाई करे। और अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले आपको बोलेंगे कि अल्लाह आपके दोनों की सेहत दे। जी देखिए आंटी, ये जो प्रॉपर्टी है किसके नाम पे, आप जो मेरे को बताए। मेरे नाम पे जी। आपके नाम जी क्या है? रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री है, बहुत पुरानी रजिस्ट्री है बता रहे हैं आप। नहीं, पहले ने एक ये, लेकिन पहले क्या था, खाली जमीन की थी। तो हमारे बेटे चीजों के खाए नहीं, घर बनावा है ना जी, तो पूरी बिल्डिंग रजिस्ट्री करानी। अच्छा, माशाल्लाह, पूरी बिल्डिंग की रजिस्ट्री है। तो आपके फर्जन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में जी। एक ही फर्जन है बाजी के और आंटी के, तो इंशाल्लाह वो चाह रहे हैं कि शिफ्ट भी हो जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, प्रोग्राम ऐसा बन रहा है। तो अभी जो ये प्रॉपर्टी है थोड़ा फरोख करना चाह रहे हैं। तो मैं जैसा बताया आपको, ये कितने गज पे है? 201 गज है। पेपर में कितने हैं? 202 है। पेपर में 202 नहीं है, 13 में आपको पेपर। नहीं नहीं, पेपर आप जो इंटरेस्टेड है बताइए, आप ओरल बता दीजिए, आप जेन्यून है, कोई मसला नहीं है। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट 200 गज जमीन है ये। और देखिए आंटी, इसमें कितने फ्लोर्स बने हुए? हाँ, देखा मैं, ग्राउंड फ्लोर पे जो है पार्किंग के साथ 2 BHK का एक फ्लैट है, उसके ऊपर एक पूरा आपका आप लोगों के लिए रखे थे बनाने के लिए वो। खैर, अभी जा रहे हैं आप लोग भी, तो उतना रहने का नहीं है। वो 4 BHK होगा, 4 बेडरूम है, 4 BHK। उसके ऊपर जो है 2 फ्लैट है 2 BHK के, फिर उसके ऊपर 2 BHK, उसके बाद टेरिस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें पानी का सिस्टम कैसा है? ऑटोमेटिक। नहीं नहीं, वो तो आपका बोरवेल का ऑटोमेटिक है, नल का पानी भी बता। नल का पूरा 4 फ्लोर तक जाता है आपको, बोरवेल भी ऑटोमेटिक है, पानी की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आंटी, अभी जो ये 6 फ्लैट हैं, जिसमें ग्राउंड पे एक है और ऊपर बड़ा एक है 4 BHK, उसके बाद 2-2 से 3rd-4th पे है। तो आप ये पूरे 6 फ्लैटों का क्या किराया आ रहा है? और कुछ कम 1 लाख आ रहा है। अच्छा, 1 लाख रुपए आ रहा है, माशाल्लाह। तो अगर अब ये 200 गज जो रजिस्ट्रेड है, इसकी क्या उम्मीद कर रहे हैं रेट के ताल्लुक से आप? आंटी, तो जैसा आपसे पूछा मैं, ये 200 गज की जमीन के और जिसमें आपको 6 फ्लैट बने हुए हैं पार्किंग के साथ, क्या उम्मीद कर रहे हैं इसकी आप रेट के? 2 करोड़ 20 लाख, यानी 2.2 करोड़, 2 करोड़ 20 लाख रुपए की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें कमी पेशी होंगी? हाँ, बैठक में होंगी, अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो। देखिए, जो भी इंटरेस्टेड है, जेन्यून डॉक्यूमेंट्स के साथ है, डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टमेटिक काम है आंटी का, और इनके फर्जन ऑस्ट्रेलिया में है, और आपको एक ही लड़का है बता रहे हैं, एक ही लड़का है, और अंकल की हमारे ज़रा तबीयत हसास है, तो इनके लिए भी दुआ खुसूसन। और इसी वजह से ये फ़रोख करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, जिसका किराया भी अच्छा आ रहा है और जेन्यून है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, आइए सामने से संतोष नगर मुमताज कॉलोनी आए सदन आएगा, तो इंशाल्लाह आपको पूरा डिटेल रहेगा। तो आइए एक बार देखिए, जेन्यून प्रॉपर्टी है, जो किराए वगैरह के लिए प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है मेरे चैनल मेट्रो रियल इस्टेट हैदराबाद पर। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद एक बहुत प्यारा अपार्टमेंट लाया हूँ, जिस सेल के लिए अवेलेबल है, मुमताज कॉलोनी बानो नगर आएगा। देखिए, अड़ोस पड़ोस आपको बता रहा हूँ, पूरे रहायशी इलाका है, पूरे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। तो मैं आपको एड्रेस
छोटी स्क्रीन पे या स्टार्टिंग में बताऊंगा आपको, देख लीजिए। अच्छा है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। ये पार्किंग है, जो ग्राउंड फ्लोर है टोटल पार्किंग है, उसके ऊपर आपको फ्लोर्स है, मैं पूरा बताऊंगा, वीडियो से बने रहे, ओनर से भी आप में बात कराऊंगा आपको। ये देखें बिल्कुल ग्राउंड पर एक छोटा सा फ्लैट है, उसके अंदर भी बताऊंगा, और जो जाने यहाँ पर मीटर वगैरह का सिस्टम है, और ये पूरी जो ग्राउंड है पार्किंग दी गई है, देख सकते हैं आप। पूरे रेंटल्स किराए पे जो भी घर दे गए उनके लिए पार्किंग है, गली में भी पार्किंग है आपको, और फिर ये सेटबैक करा हुआ रोशनी वाला इलाका है पीछे भी। तो देखिए जैसा मैं देख रहे हैं आप, ये पार्किंग है, पार्किंग में फिर एक छोटा सा फ्लैट है, 2 BHK का फ्लैट दिख रहा है ये मुझे, फैमिली से तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और यहाँ पर देखिए 2 BHK दिख रहा है ये, 2 बेडरूम हॉल किचन बाथरूम वगैरह, अच्छा है बिल्कुल। तो ये देखिए स्टेयर्स है चढ़ने के, बिल्कुल आपको सीढ़ियाँ हैं जो जा रहे हैं। तो देखिए जैसा मैं फर्स्ट फ्लोर चला, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लैट है, 4 BHK लग रहा है बिल्कुल। तो अभी जो किराएदार है वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा है, शायद बाहर गए हुए हैं। तो मैं ऊपर आपको सेकंड फ्लोर पर ले जा रहा हूँ, देखिए। तो ये देखिए हम जैसा सेकंड फ्लोर पे आए, इस पर 2 पोर्शन हैं 2 BHK के, एक इधर दिखेगा आपको, आगे भी दिखेगा, फैमिली से तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक नहीं जनाना है ज़्यादा। तो देखिए 2 BHK के है, अटैच बाथरूम वगैरह है, ये हॉल है, बिल्कुल अच्छा है, इसका भी किराया वगैरह की बात करेंगे। ये देखिए और एक पोर्शन है जो एक ही सेकंड फ्लोर पे आपको देखेंगे, दो पोर्शन है 2 BHK के, यहाँ भी है, तो लेडीज़ है तो मैं मुनासिब नहीं समझा, जेंट्स कोई है नहीं यहाँ पर, तो जाना अंदर ठीक नहीं है। तो ये देखिए दो है, वो भी रूम है ना बेटा, और काफ़ी बड़ा किचन दिख रहा, तो हमारे छोटे नवाब है यहाँ पर, इसलिए मैं मुनासिब नहीं है, वालदा है इनके। तो ये देखिए के बालकनी का आपको पूरे अच्छे बड़े घर है बिल्कुल। अभी देखिए 2 फ्लोर खाली, ये जो 3rd फ्लोर पे है दोनों पोर्शन खाली है, यहाँ पे है। तो ये अभी सेल के लिए भी है, इसलिए इस पर किराए पे नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी जब आप खरीद लेंगे तो किराए पे दे सकते हैं। तो देखिए मैं टेरेस पे आ गया हूँ बिल्कुल, क्योंकि अभी किराएदार हैं और लेडीज़ है तो मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ पूरा लेना, और इस घर के जो ओनर है जेंट्स है बाहर है और लेडीज़ हैं, उनसे भी बात कराऊंगा मैं। तो देखिए बिल्कुल टेरेस जो है आपको साफ़ सुथरी है बिल्कुल, फ्लोरिंग वगैरह करीबी है, पानी की टाँकियाँ वगैरह है बिल्कुल आपको, और आसपास का नज़ारा बता रहा हूँ आपको, देखिए बिल्कुल आबादी से लद है ये बिल्कुल, पूरे अच्छे बिल्डिंगा दिखेंगे आपको। ये देखिए आप हमारे साथ, यहाँ की बिल्डिंग के ओनर के किराएदार भी है भाई, सलाम अलैकुम, क्या नाम आपका? हसनैन साहब जी। हसनैन भाई ये कौन सा एरिया आता है? ये बानू नगर लगता है, मुमताज़ कॉलोनी। मुमताज़ कॉलोनी बानू नगर, अलहमदुल्ला पानी वगैरह तो पूरा है शायद जी। तो क्या है, बोरवेल भी है ना? जी बोरवेल भी, बोरवेल ही है। हाँ। पानी एक दिन आ रहा था पीने। अच्छा माशाल्लाह, नल का पानी काफ़ी सेटिस्फाइड है, बोल रहे हैं एक दिन काफ़ी आता है, और बोरवेल अच्छी है बता रहे हैं। तो ये टाकियाँ पानी के लिए, ये देखिए आप जो पानी की है, 1 दिन 8 है ये चिमसी की, और अच्छे बिल्डिंग है पूरे आप देख सकते हैं।